बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राजधानी रांची के मुस्लिमों पर मेन रोड को जाम कर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। सीपी सिंह ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के महीने में मेन रोड पर अपनी दुकानों को लगाकर सड़क जाम कर देते हैं और शुक्रवार को नमाज के लिए पूरी तरह से सड़क को ठप करने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि भैया आप मेन रोड में आप देखेंगे ये जो अति का आपको टैक्सी स्टैंड के आगे आप दिखेगा पुलिस का बैरिकेड हो जाता है और पूरा सड़क को कब्जा कर लिया। ये क्या उचित है, क्या ये न्याय उचित है? आखिर सड़क क्यों जाम होगी? आज की अभी की स्थिति ये है कि मैं नरसू ही जा रहा था, मैं शाम को जा रहा था, सब सड़क से जा नहीं सकते, ही जाम है क्योंकि सड़क पर ही ठेला से लेकर सारी चीज़ें मेन रोड में लग गई है। तो मेरा कहना है कि ये तुष्टिकरण नहीं है तो और क्या है। मेरा कहना है कि यही हिंदू लोग किसी एक सड़क पर सामान लगाना शुरू कर दें, छत के अंदर पूरा बाजार बना दें, क्या आप उसको होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो फिर भैया अभी क्यों हो रहा है? तो तुष्टिकरण नहीं और क्या है? इससे बड़ा तुष्टिकरण क्या है? जब हम लोग ये बोलेंगे तो बोलेंगे गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको आप हनन कर रहे हैं। ये कैसा गंगा जमुनी तहजीब है कि एक समुदाय विशेष के लिए आप पूरा सड़क को कैप्चर करवा दें और पुलिस के संरक्षण में सरकार के संरक्षण में हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो? सर रमजान का महीना है और शुक्रवार की नमाज भी हो रही है, वो तो सड़क पर करना होगा जन्म से अधिकार, वो तो करेंगे, लेकिन जब आप रामनवमी में तलवार लेकर जुलूस निकाले तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन वो सड़क पर करेंगे, अजान पढ़ेंगे, पढ़ते हैं पढ़िए, हमको उससे नहीं मतलब है। शुक्रवार को एक दिन आप पढ़ते हैं, उसका भी हिंदू का विरोध किया है, कभी हिंदू को लगा है कि पत्थर चलाते हैं, लेकिन हिंदू का त्यौहार है, पत्थर चलाता है कौन? चलाता है एक समुदाय विशेष चलाता है, यही है तुष्टिकरण। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।